व्यवहार की स्थापना की थी, और व्यवहार की स्थापना में क्या कहा था कि व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि आत्मा अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को करता है और अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को, और टीका में इसके संबंधित दृष्टांत भी दिया और उसमें उचित निमित्त का क्या स्वरूप है ये भी बताया। कौन सा दृष्टांत दिया था? जैसे कुम्हार किस रूप में निमित्त बनता है, सोच सोच के निमित्त बनता है क्या? उपयोग और योग के परिणमन से निमित्त बनता है। वहां से हमने थोड़ा बहुत निमित्तों का स्वरूप भी समझा था कि ऐसे देखा जाए तो निमित्त कितने प्रकार के हो जाएंगे? अनंत प्रकार के। लेकिन अब अनंत प्रकार के निमित्तों में जाओगे तो कैसे काम बनेगा? इसीलिए किसको निमित्त बोला वहां पर? जो प्रत्यक्ष योग उपयोग कर रहा, यानी कुम्हार है ना, कुम्हार, वो कुम्हार घड़ा बनाने के लिए बहुत योग भी चल रहा है उसका, मन वचन काय का व्यापार, उपयोग मतलब ज्ञान भी चल रहा है। कोई भी कार्य ऐसे तो होता नहीं। आप भी अगर रसोई बनाते हो, टेलर कपड़े सिलता है, ड्राइवर ड्राइव करता है, कोई भी जब कार्य करता है तो उसमें योग और उपयोग का जुड़ान तो होता ही है ना। भले ही मैं मानूं कि मैं करता नहीं कंप्यूटर के काम का करता नहीं, लेकिन जब कंप्यूटर पे बैठता हूँ तो देखता तो मैं ही हूँ ना कि भाई गलत काम तो नहीं हो रहा। मतलब लोग नहीं समझ पाते, लोग ये मानते हैं करता नहीं है मतलब कुछ भी करो, गड़बड़ झोला करो, ध्यान से करो, ध्यान वगैरह करो, और कुछ गड़बड़ हो जाए तो कहो ये तो पुद्गल का काम है, मेरा काम। ये सही परिभाषा नहीं। ये जो अकर्तापना है ना, वो अकर्तापना आपके योग उपयोग के व्यापार से नहीं जुड़ा। ए आ रही कि नहीं आ रही ख्याल मत, क्या बोला? अकर्तापना है वो, अकर्तापना योग उपयोग के व्यापार से नहीं जुड़ा। योग मतलब मनोयोग, उपयोग मतलब ज्ञान का परिणमन। ये जो अकर्तापना है वो आपकी श्रद्धांत से जुड़ा है। मतलब आप खराब रसोई बनाओ और कहो मैं इसका करता नहीं हूँ, ये बात खराब में जैसे कहते हो अच्छे में भी कहना, वरना तो हमारा पार्ट टाइम अकर्तापन है। जब जब भी गड़बड़ी हो तब तब अकर्ता, और जब जब अच्छा हो तब तब तो मैं ही करता हूँ। समझे कि नहीं समझे? तो पार्ट टाइम अकर्तापन जिनवाणी में नहीं स्वीकारा। हर समय अच्छे और बुरे परिणमन में आपके योग उपयोग निमित्त तो बनते हैं। क्या बनते हैं? और ज्ञानी योग उपयोग दोनों का विचार करता है, हैं? कैसा? कि चलेगा तो देखकर चलेगा, बोलेगा तो विचार करके बोलेगा, और यहाँ तक मन में भी अच्छे विचार रखेगा। उपयोग मतलब ज्ञान को उस रूप में लगाएगा, और तो भी अकर्ता रहेगा। ये अभी लाइन ख्याल में आई? क्योंकि योग और उपयोग का परिणमन वो आत्मा से भिन्न है, बराबर। तो उसका तो कर्ता आत्मा है नहीं, लेकिन ज्ञाता है, और ज्ञाता है मतलब उनका परिणमन बराबर होवे इसका उसे भाव होता है। क्या होता है? भाव। बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन जो अकर्तापन है वो अकर्तापन योग उपयोग से नहीं जुड़ा, वो आपके श्रद्धांत से जुड़ा। श्रद्धांत से जुड़ा वो मतलब अनुकूल परिणमन में मैंने किया ऐसा अहम भाव, और प्रतिकूल परिणमन में ऐसा क्यों हुआ ऐसा खीज का भाव। ये दोनों भाव नहीं होने चाहिए। क्या बोला? समझ में आया? क्या अकर्ता मतलब कहाँ से जुड़ रहा है? अरे योग उपयोग का तो मैं सर्वथा करता हूँ ही,
बराबर, लेकिन इसका मतलब घेन में काम करूं ये थोड़ी है। योग उपयोग का करता हूं इसका मतलब ये है कि होने वाली दशा को मैं मेरे से भिन्न जानूं और उस दशा के आधार पर जो भी यश अपयश मान सम्मान भला बुरा हो रहा है वो मेरे से भिन्न, मैं तो उसका करता हूं ही नहीं। ये बात मन में आ गई। तो अकर्तापना है वो अकर्तापना योग उपयोग से नहीं जुड़ा, वो निमित्त से जुड़ा है। बराबर, किससे जुड़ा है? निमित्त से। अकर्तापना किससे जुड़ता है? श्रद्धान से। तो योग उपयोग का परिणमन जहां पर में हो रहा है तो समझ लो मैं करता हो ही नहीं सकता। लेकिन हो ही नहीं सकता मतलब असावधान रखे बोले ऐसा नहीं, सावधानी पूर्वक भी पर को पर रूप देखते जानते हुए भी श्रद्धान में अकर्तापना बराबर रह सकता है। सकता है नहीं, रहता ही है। सीधा बड़ा एग्जाम्पल तो मुनिराज का ही है। मुनिराज यशना समिति का पालन करते, आदान निक्षेपण समिति का पालन करते, उसमें क्या सिखाते हैं? भाषा समिति में देख देख कर विचार करके बोलना चाहिए, बराबर। ईरिया समिति में फिजिकल देख देख कर चलना चाहिए, आदान निक्षेपण समिति में देख देख कर रखना उठाना चाहिए। ओहो, इतना मतलब मैं तो करता हो गया ना पिछली कमंडल उठाने और रखने की क्रिया का, और अगर करता नहीं हो तो फेंक दो। नहीं, अकर्तापना भी 100% और अप्रमादपना भी 100%। ख्याल में आया? क्या समझे? ये दोनों एक चीजें साथ में हो रही कि नहीं हो रही? एक भी कदम मुनिराज का बिना सावधानी के उठता नहीं, एक भी वचन मुनिराज का बिना सावधानी के बोला जाता नहीं, एक भी विचार मुनिराज का आगम विरुद्ध होता नहीं। बराबर, सब में इतनी सावधानी और तो भी अकर्ता। हम लोगों के मन में ही थोड़ा प्रमाद, अकर्ता के नाम पे हमें प्रमाद दिखता है। बस ये अच्छा बोला पंडित, दुकान का करता नहीं हूं, घर गृहस्थी का करता नहीं हूं, तो जो जहां जैसा जाए जो करना है वो करे, ये कोई अकर्ता बने की व्याख्या नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या मैं तो यहाँ पे पहले निमित्त की स्थापना की कि जो योग उपयोग का परिणमन है वो निमित्त, और निमित्त है सो पर, और पर का में अकर्ता, पर का में अकर्ता। लेकिन अकर्ता होना मतलब ज्ञाता होना, तो जैसे कर्तृत्व ज्ञायक भाव का विरोधी है वैसे प्रमाद भी ज्ञायक भाव का विरोधी है। आई कि नहीं बात समझ में? नहीं आई? आ रही है ना? क्या बोला फिर से? जैसे कर्तापना ज्ञायक भाव का, जैसे कर्तापने से रहित ज्ञायक भाव है, ऐसे प्रमादपने से रहित ज्ञायक भाव है कि नहीं है? तो जैसे कोई कर्ता यानी अहंकार में गया तो अकर्ता कैसे रहा, वैसे कोई प्रमाद में गया तो अकर्ता ऐसे रहा, वो कर्ता बने गया। क्योंकि ज्ञायक भाव तो जैसे अहंकार का विरोधी है ऐसे प्रमाद परिणति का भी विरोधी। बराबर, रस का जितना विरोध छिलके के साथ है उतना विरोध गुठली के साथ है। कैरी का रस खाना हो तो जितना विरोध उसका छिलके के साथ है कि खाते खाते छिलका आ गया कितना बुरा लगेगा, उतना ही विरोध गुठली के साथ में भी है कि खाते खाते गुठली हो जाएगी तो भी बुरी लगेगी। तो रस दोनों से विरुद्ध है, दोनों के साथ है लेकिन दोनों के विरुद्ध है। ऐसे यहां कह रहे हैं कि भगवान आत्मा अकर्ता ज्ञायक जब प्रभु कहते हैं तो अहंकार का विरोध हो गया, दीनता का विरोध हो गया, तो उसमें अविवेक का, अज्ञानता का, प्रमाद का, इसका भी विरोध है।
तो जैसे छिलके वाला रस अच्छा नहीं लगता, ऐसे गुठली वाला रस भी अच्छा नहीं है, बराबर। और जिसने देखो बहुत गहराई से समझना, जिसने निमित्त को निमित्त जान लिया, क्या किया, जिसने निमित्त को निमित्त जान लिया, उसके अंदर से कर्तापना तो निकल ही गया। निमित्त के ज्ञान में कर्तापने का निषेध है। आहा, क्या बोला, क्योंकि जिसने निमित्त को जाना सो क्या जाना, कि ये होता है, मगर ये परिभाषा हम कह रहे हैं निमित्त कर्ता रूप है, तो निमित्त का ज्ञान ही नहीं, वो तो निमित्त का ज्ञान। अगर मैंने आपको ये बोला कि मैं आपको पढ़ाने में निमित्त हूँ, क्या बोला मैंने, मैं आपको किस में पढ़ाने में निमित्त हूँ, अब फिर मैं ये जोर रखूँ, मैं हूँ तो पढ़ रहा हूँ ना, मैं हूँ तो पढ़ रहा हूँ ना, मैं हूँ तो पढ़ रहा हूँ ना, तो तुम निमित्त अपने आप को मान ही नहीं रहे। तुम क्या मान रहे हो अपने आप को, कर्ता मान रहे हो। पॉइंट ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा, मैं बहुत गहराई से बात बोलूं, बात को पकड़ना। जब जिनवाणी में ये बोला जाता है कि ये निमित्त है, तब ऑटोमेटिकली निमित्त के ज्ञान में किसका निषेध हो जाता है, कर्तृत्व का निषेध हो जाता है। क्या बोला लोग, उन्होंने पता निमित्त को भी, निमित्त तो बनते हैं ना, निमित्त तो बनते हैं ना, ऐसे कह के निमित्त में कर्तापना लगा दी। जैसे अपन कई लोग व्यवहार से बोला किसी से, बड़ी लोगों से बोला कि देखो साहब, मैं कई बार कहता हूँ बड़ी लोग बहुत शादी विवाह में उत्साही बहुत हो जाते हैं, ताकत होती नहीं है काम करने की, काम तो वो कहते मैं करूँगा मैं करूँगा मैं करूँगा, क्या करूँ क्या करूँ। तो अब जो समझदार संतति होती है, कहते अरे पिताजी आप तो बैठो, आपके आशीर्वाद से ही सब हो रहा है, क्या बोल देते हैं। और वो बहुत सही कैलकुलेटिव बोलते हैं कि ये दौड़ भाग करते करते अगर बीमार हो गए तो हमारी दौड़ भाग अटक जाएगी और इनकी सेवा में टाइम लग जाएगा। तो एक डिप्लोमेटिकली क्या बोला जाता है कि पिताजी आप तो बैठो, सबको आशीर्वाद दो, देखो। अब उसमें कोई पिता ये था, देखो मैं बैठा हूँ मेरे आशीर्वाद से हो रहा है, मतलब मैं आशीर्वाद देना बंद कर दूंगा तो निर्मल बाबा की कृपा रुक जाएगी है? समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई तू समझ, ये तुझे बैठा दिया है बस, मतलब ये समझ लो कि जैसे राजनीति में होता है ना, राज्यपाल बनाना मतलब राजनीति से संन्यास, कहने के लिए सब कुछ हो और एक्चुअल में कुछ नहीं, ये वही शैली। आप भी उस वस्तु स्थिति को समझो, आप उसमें ही नहीं देखो अगर मेरा आशीर्वाद नहीं होता तो कैसे काम करते। अरे भाई तुझे निमित्त कहकर वैसे ही साइड में किया था, अब तू उसमें ही कर्ता बन गया, किसमें बन गया, और साइड में कर दिया माँ बाप को साइड। अरे भाई तू फ्रंट पे आके लड़ ले, जो हो नहीं सकता वो कार्य में क्यों पड़ते हो, बराबर। तो निमित्त के ज्ञान में क्या बोला, निमित्त के ज्ञान में किसका निषेध है, कर्तापने का निषेध है ही। जैसे ही ये कहा जाए कि ये इस कार्य में निमित्त है, तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि ये कार्य का वो कर्ता नहीं। अब जिनको निमित्त बनाया जाए वो इस नाम से कर्ता बन जाए, निमित्त तो हूँ ना, निमित्त तो हूँ, तो तुमने निमित्त का ज्ञान ही नहीं किया, निमित्त को तुमने कर्ता रूप में लिया, जबकि कर्ता भाव जिसमें नहीं होता वो निमित्त होता है। ख्याल में आया कि नहीं आया, कठिन बात है भाई साहब। नहीं तो लोग जितना क्रेडिट लोग उपादान के रूप में लेते हैं, उतना ही क्रेडिट लोग किसके रूप में ले लेते हैं, निमित्त के रूप। वो मतलब मुद्दा वही है, भाषा बदलती है। चाहे स्वयं करके मैंने किया मैंने किया मैंने किया ऐसे फूले नहीं समाते, चाहे निमित्त के रूप में मेरे से हुआ मेरे निमित्त से हुआ मेरे निमित्त से हुआ तो भी फूले नहीं समा रहे। और जब जब भी आप पर के कार्य में खुद फूल रहे हो, मतलब आप आत्मस्वरूप को भूल रहे हो।
क्या बोला बोलो भैया? जारे जारे तमे पारकाना काम मा फूलो छो त्यारे त्यारे कोने भूलो छो? आत्म स्वरूप ने भूलो छो। पारकानो काम એટલે કયો? પાડોશીનો કામ એ પારકાનો નહીં, આ પારકો છે, આ પાડોશી છે, બરાબર? બેગ બેગ કિલો ઓછા કરી દીધા ને તમે, હે? એક દો કિલો કમ કર દીએ ઓર કિસને કિયા, હે? બરાબર સમજ મે? આ ઇસમે તુમ ભૂલ ગયે અપને આપ કો કે જીવ પરમાણુ પરમાણુ અપની યોગ્યતા સે જુડતા હૈ, પરમાણુ પરમાણુ અપની યોગ્યતા સે ઘટતા હૈ, ઓર ઉસમે મેને કિયા યે અનાદિ કા મિથ્યા શ્રદ્ધાન હૈ। નહીં મગર મેં નિમિત્ત તો બના ના, અરે નિમિત્ત બનના મતલબ કરતા પને કા નિષેધ કરકે નિમિત્ત બને તો નિમિત્ત બના કહેલાયા ઓર તબ નિમિત્ત કા જ્ઞાન હુઆ કહેલાયા, લેકિન કરતા પને કે રૂપ મેં નિમિત્ત બના તો તું નિમિત્ત કરતા બન ગયા, યે અજ્ઞાન। તો ઇસીલી મેરી લાઈન કો સમજના બડી ગહેરાઈ સે બાત બોલ રહા હું, ક્યા કે નિમિત્ત કે જ્ઞાન મેં કિસકા નિષેધ હૈ? કર્તૃત્વ કા નિષેધ। ઓર જો નિમિત્ત કો કરતા રૂપ મેં લે વો નિમિત્ત કા જ્ઞાન હી નહીં, वो क्या है विनोद भाई? निमित्त का अज्ञान। हम तो कुछ नहीं करते पंडित जी, दुकान में बैठे सब लड़के लोग करते रहते हैं, मगर हम होते हैं ना तो अच्छा होता है, सही है ना बात? हम होते हैं ना तो अच्छा होता है। अरे ऐसा नहीं है, अच्छा होना होता है तब तुम होते हो, है? अरे तो भी मैं तो हुआ तो ना, चाहे होने से अच्छा होता हो चाहे होना हो तो मैं होता हूँ, मैं तो हुआ ना। बोले नहीं गलत, एक में तुमने अपने को मुख्य किया और एक में भवितव्यता को मुख्य किया, ये अंतर। अंकित भाई ख्याल में आ रहा ना ये लाइन का अंतर? समझ में आया क्या बोला? बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, ऐसे सब लड़के लोग करते हैं काम, सब दुकान वाले करते हैं, सब अपने अपने काम कर रहे हैं, लेकिन मैं रहता हूँ तो क्या होता है? उपस्थित रहूं तो अच्छा होता है, बराबर है? ठीक है ना? इसमें किसका जोर आ रहा है? मेरी उपस्थिति का। मतलब मुख्य कौन हुआ? ऐसा सोचने में पर के डिपार्टमेंट में तुमने इंटरफेयर किया, ये नहीं सोचो, रिवर्स सोचो। अच्छा होना होता है तो मैं होता हूं, और अच्छा होना होगा तो मेरी जगह कोई और हो जाएगा, मतलब मैं मुख्य वही नहीं हूं। भवितव्यता मुख्य, जिसको अहंकार मुख्य है उसको भवितव्यता का अस्वीकार है, और जिसको भवितव्यता का स्वीकार है उसको अहंकार कहां दिखता है? अपने में भी अहंकार नहीं है उसका, मैं होऊंगा तो ही काम होगा, मैं नहीं होऊंगा तो भी होने योग्य तो होगा, बल्कि और मेरे से बेहतर होगा। मन में आया कि नहीं? ये जीवन है भाई साहब, ये जीवन है, ऐसा समझना। अपने आप को मुख्य करना जैन धर्म सिखाते ही नहीं है, कार्य को मुख्य करो भैया। अपने आप मतलब स्वभाव को तो मुख्य करना ही करना, वो अगर आप अपने से स्वभाव को ले रहे हो तो वो सबसे मुख्य है, लेकिन अपने आप को मुख्य करना मतलब पर्याय को मुख्य करना ये जैन धर्म नहीं सिखाता। चल मैं है कि नहीं आया? ठीक है ना? तो देखो, तो ये यहाँ पे कह रहे कि निमित्त के, फिर से मेरी लाइन को बोलो, निमित्त के ज्ञान में क्या बोला? किसका निषेध है? कर्ता पने का निषेध। और जो निमित्त को क्या मान रहा है? कर्ता जैसा मान रहा है, उसका निमित्त का ज्ञान निमित्त का है ही नहीं, वो तो निमित्त का अज्ञान है।
फिर से इस लाइन को कंप्लीट पचा लो। कौन बोलेगा इस लाइन को, बोलो। निमित्त में कर्ता होने का ज्ञान, निमित्त के ज्ञान में किसका निषेध है, कर्ता पने का निषेध, बराबर। यानी जब हमें कर्ता निमित्त कर्ता तो बोला नहीं जाएगा, समय सार पढ़ने के बाद में अपन अब कर्ता तो बोलेंगे नहीं, लेकिन निमित्त तो ऐसे करके भाव आएगा, निमित्त तो है ना। तो जो निमित्त कहा जा रहा है उसमें किस भाव का निषेध है, कर्ता भाव का सद्भाव की अभाव निषेध। क्यों? क्योंकि जिसने निमित्त को कर्ता माना उसने निमित्त को जाने ही, इसीलिए निमित्त के ज्ञान में कर्ता भाव का निषेध, कर्ता भाव के अभाव पूर्वक निमित्त का ज्ञान प्रकट होता। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए उपादान के रूप में कर्ता बनना तो छोड़ ही दो, क्या कह रहे हैं, निमित्त के रूप में भी कर्ता पने का पोषण मत करो। जैसे वो तंबाकू वाले होते ना, तंबाकू वाले, पहले गवर्नमेंट ने सीधा सीधा तंबाकू बेचने पर प्रतिबंध लगाया, नहीं देखा वो मेरे मित्र कई बार वो लाते हैं, पहले तो क्या मिल के गुटखा जैसा आता था, तो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया उस पर, तो अब उन्होंने नया रास्ता निकाल लिया। वो सुपारी एक तरफ होती है और वो तंबाकू का जर्दा होता है ना, वो एक तरफ होता है, फिर दोनों मिला के खा लेते। बात तो वही हुई ना, पहले सीधा सीधा खा लेते थे, अब क्या करते, एक पड़ी की ये वाली और एक पड़ी की ये वाली और दोनों मिला के खा क्या रहे, मैं सही यहाँ पे कर रहे हैं। पहले तो उपादान निमित्त का ज्ञान नहीं था, तो उपादान के नाम पर ही गुटखा खाते थे, अब उपादान निमित्त का ज्ञान हो गया तो उपादान और निमित्त दोनों को अलग अलग कर दिया, बराबर। लेकिन खाना अभी भी क्या है, उन्हें तंबाकू ही खाना है, बराबर। तो जो दूसरी निमित्त की पड़ी की थी ना, उस निमित्त की पड़ी की में ही कर्ता पने का जहर डाल दिया और वो उसके साथ मिला के खा गए, हैं? समझ में आया कि नहीं आया? आप बताओ क्या सुधरा? पहले भी कैंसर हो रहा था, अभी भी कैंसर हो गया, पहले अलग अलग हो रहा था, हैं? पहले एक साथ हो रहा था, अब अलग अलग में बात तो वही हो रही, हैं? पहले भी मिथ्यादर्शी था, पहले उपादान कर्ता के नाम पे मिथ्यादर्शी था कि मैं ही करता हूं, बेटे तुमको मैंने पढ़ाया, रसोई मैंने बनाई, दुकान मैंने चलाई, ये पहले डायरेक्ट करता बनता था, अब डायरेक्ट करता नहीं बनता, वो पड़ी की अलग से लेता है, लेकिन खाना अभी भी वही है। निमित्त तो हो ना, निमित्त तो हूं ना, अगर निमित्त नहीं होता तो, अरे क्यों नहीं होता, निमित्त का मतलब ही ये होता है कि कार्य होगा तो तदनुसार निमित्त, तुम नहीं होगा तो कोई दूसरा होगा, और मैं क्यों नहीं होगा, मैं तो बार बार ये प्रश्न करता हूं। अगर आपको 84वीं गाथा पे प्रवचन आज सुनने हैं मेरे निमित्त से, तो मैं क्यों नहीं होऊंगा? अब मैं कहूंगा मैं नहीं हूं तो तुम सुन के बता दो, है? तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कोई दूसरा आके सुनाएगा, क्योंकि अगर मेरे निमित्त से वहां जाना है तो कोई दूसरा आएगा कहां से? जैसे आपकी योग्यता है वैसे मेरी योग्यता है, ऐसे वचनों की योग्यता है, ग्रंथ की योग्यता है, गाथा की योग्यता है, शब्द शब्द की योग्यता है, ये ऑप्शन ही नहीं है। मैं नहीं होता तो क्या होता, वो नहीं होता तो क्या होता, जो होने योग्य है वो होता, जो नहीं होने योग्य वो नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? ख्याल में आया ना, समझे? तो जैसे बाहर में हमने गुटखा खाना छोड़ दिया, हम तो डायरेक्ट ही नहीं खाते, तो अलग से पड़ी की में कैसे खाएंगे, बराबर। तो यहाँ पे भी यही कर दो कि जैसे हम बाहर में नहीं खाते ना मिथ्यात्व, तो अभी निमित्त के रूप में मिथ्यात्व क्यों खा रहे हो? समझ में आया? हाँ, इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसा अनादि का रूढ़ व्यवहार है। ये लाइन आई यहाँ पे, देखो क्या बोला, कौन सा रूढ़ व्यवहार है, कौन सा, कुम्हार घड़ा करता है और उस घड़े के द्वारा, ये लाइन पढ़ी थी ना अपन ने, देखो उसमें
क्या लिखा था 154 में, क्या रूढ़ व्यवहार है? भोग वेचे એટલે ગડાને સીધો ખાઈ જાય ના, એટલે એની જે ઠંડો પાણી છે એને પીને તૃપ્તિનો અનુભવ કરે છે, એ તૃપ્તિને ભોગવાનું કીધું છે. એમાં પણ ફેર છે. ગડોનો ખાઈ જાય તો આપણા મનમાં એ આવે કે આપણે સ્ત્રીનો ભોગ કરીએ, મકાનનો ભોગ કરીએ, લાડુ પેડાનો ભોગ કરીએ, કોઈનો ભોગ કરતા નથી. એ બધું કરીને જે અંદરમાં તૃપ્તિ થાય, હાસ થાય, જે કંઈ પણ કહો એનો ભોગ થાય છે, એ વ્યવહારથી છે. પરનો ભોગ તો ક્યાંય નથી. આ તો ના દ્રષ્ટાંત મેં છોટી છોટી ચીજોમાં બડા અંતર. કલ ભી મેં એક પેચ કી તરફ ધ્યાન બતાયા થા કે આચાર્યને એ નહીં કહા કે ઘડા બનાયા કુમારને ઓર ભોગા, ક્યુંકિ એસે કહેને સે ક્યા અર્થ નિકલતા? કર્મ એ કરે, કર્મ કરેગા કોઈ ઓર, ઓર ભોગેગા. યાત્રા કરવા જાઓ તો પંડિતજી મારા વતી દર્શન કરજો. એટલે યાત્રા કરવાનો શ્રમ તમે કરો અને પુણ્ય અમને ટ્રાન્સફર કરો, બરાબર? ઉપવાસ કરે સાતામાં છો તપસ્વી, આટલો પૂછવાનું. કેમ? અમુક લોકો તો કેલ્ક્યુલેટ 6% તમને ટ્રાન્સફર થઈ જાય, ટકાવારી પર ગણી દે. કઈ ગણિતથી ગણે મને ખબર નથી. આવું કે કિસી ઉપવાસ કરને વાલે વ્યક્તિ કો તુમને પૂછ લિયા સાતામાં છો તપસ્વી તો ઉસકે અકાઉન્ટ કા 6% પુણ્ય. અબ મુજે આશ્ચર્ય હોતા હૈ કે વો 12 લોગો સે જ્યાદા તો નહીં, 6 સે થોડા 12 છિંગ માતર હુએ ના તો 16 છિંગ 96, 16 લોગો સે જ્યાદા તો પૂછે નહીં સકતા. ક્યોંકિ 16 લોગો સે જ્યાદા પૂછને જાયેગા તો અકાઉન્ટ ખાલી, ઉપવાસ બહુ કરે પુણ્ય દૂસરા લે જાય. સમજાય કે નહીં? એ કેસે ચલ સકતા? ઓર હમ તો પૂછતે, સેંકડો લોગ પૂછતે, એ અર્થ તો નિકલતા નહીં કે પુણ્ય કરે કોઈ ઓર ભરે. દૂસરા અર્થ ક્યાં બતાયા? જો અભી કી બાત આઈ, એક સિમ્પલ સી બાત ચેન્જ કર દો. કોણ સી? કે પાણી ઘડે કો ભોગા कि घड़े के द्वारा होने वाली तृप्ति को भोगा. क्योंकि घड़े को भोगा ऐसा कहोगे तो क्या मतलब निकलेगा? कि ये आत्मा पर द्रव्य को भोगता है, ऐसा अर्थ निकलेगा. और जबकि आत्मा कभी पर द्रव्य को, जैसे कुमार ने घड़े को भोगा व्यवहार से, तो क्या भोगा? घड़े को खा लिया सैंडविच समझ के, नहीं ना? तो घड़े में जो मीठा पानी था वो पानी ठंडा हुआ, उस ठंडे पानी को पिया और ठंडे पानी को पीने के बाद में तृप्ति हुई. अब वो भी कंडीशनल है ना, कि उनाड़ो होए तो ठंडो पानी तृप्ति आपे, शियाड़ो होए तो कंडीशनल है ना. ठंडा पानी तृप्ति देता है, टर्म्स एंड कंडीशन आर अप्लाई. ઉનાળામાં, શિયાળામાં થોડુંક ગરમ કરીને આપો ને સેજ, ઝુરઝુરી ચડે છે આમ, ધ્રુજઈ જવાય. એસે પુણ્ય કા ઉદય સુખ દેતા હૈ, પાપ કા ઉદય દુઃખ દેતા હૈ, ટર્મ્સ આર કન્ડિશન એપ્લાય. આપકો અગર વેદન અનુકૂળ કરના હો तो वेदन अनुकूल हो जाता है, और अनुकूल वेदन नहीं करना हो तो अनुकूल वेदन नहीं. ये गणित है भाई साहब, समझ में आया? ये गणित है. आज जिसे हम विपन्नता की कैटेगरी में गिनते हैं, एक जमाने में वो सुपर संपन्नता थी, ठीक ही नहीं? पहले के जमाने में श्रीमंत कौन माना जाता था? कि जिसके घर में 12 महीने का अन्न भरा हो वो श्रीमंत है. 2 जोड़ी 3 जोड़ी कपड़े हो वो ये श्रीमंत की परिभाषा थी. इसीलिए 12 महीने का अनाज भर, क्योंकि अनाज के, और कभी हम पढ़ते हैं ना क्लासिकल लिटरेचर पुराना, तो कहते हैं उनके घर में तो अनाज के कोठार भरे पड़े हुए थे, क्योंकि दुकाल पड़ता था, और दुकाल पड़ता था सबसे ज़्यादा उणप किसकी होती थी? अनाज की.
तो जिसके घर में अन्न भरा हो वो संपन्न। अब संपन्न लोग अन्न भरते ही नहीं, परिभाषा पलट गई कि नहीं पलट गई? अब वो कहते ये तो मिडिल क्लास अप्रोच है कि नहीं? ये आज का एक टैगलाइन, सो 12 महीना नो भरवानो मिडिल क्लास अप्रोच है। बाजार बाजार बधु मळे छे। आप बताओ पहले की परिभाषा बदल गई कि नहीं बदल गई? बहुत ज्यादा जो संपन्न हो रहे हैं, जो सो कॉल्ड हाई क्लास में पहुंच गए, वो ना ना 12 महीना नो कहीं भरवानो नहीं, जेटलो गहूं जोईए एटलो तो मळे छे ना, सुपर बाजार में क्या टूटो आपवानो छे, ज्यारे जोईए त्यारे मळी जाए। तो अब बदल गई कि नहीं बदल गई परिभाषा? कि नहीं है? तो वो अलग अलग, वेदन जैसा करना हो वैसा होता है, ठीक है ना? तो ये बात यहाँ पर है। अब देखो एवा लोको अनादि तेवी रीते, अब जो अब दर्शन तेवी रीते अंदर माँ मड़ियो ना बताने, तेवी रीते अंदर माँ व्याप्य व्यापक भाव थी पुद्गल द्रव्य कर्म ने करे छे, अने भावे भावक भावती पुद्गल द्रव्यज कर्म ने कौन करता ना कौन भोगता? पुद्गल कर्मी करता और पुद्गल कर्मी भोगता। मैं कहा अरे प्रभु जो त्रिकाली शुद्ध द्रव्य है वो तो कभी इनमें उतरता ही नहीं है। व्यवहार से कहा जा रहा था कि भी व्यवहार से आत्मा रागादि भावों का करता, व्यवहार से आत्मा पुद्गल कर्मों का करता, ये व्यवहार से कहा जा रहा है, लेकिन परमार्थ से कहाँ कौन करे कैसे करे? देखो अंदर में व्यापी व्यापक भाव थी पुद्गल द्रव्यज कर्म ने करे छे, अने भावी भावक भाव थी पुद्गल द्रव्यज कर्म ने भोगवे छे, तो पण बाहर में व्याप्य व्यापक भावना अज्ञान ने लीधे पुद्गल कर्मना संभव ने अनुकूल एवा पोता रागादि परिणाम ने करतो, अने पुद्गल कर्मना विपाक थी उत्पन्न थेली विषयोनी जे निकटता तेनाथी उपजतो सुख दुख रूप परिणति ने भावे भावक भाव बड़े अनुभवतो भोगवतो। जी पुद्गल कर्म ने करे छे अने भोगवे छे। हवे जो आगळनी लाइन, एवो अज्ञानीओनो अनादि संसार थी प्रसिद्ध व्यवहार। पुद्गल कर्म कर रहा है, पुद्गल कर्म भोग रहा है, क्यों? क्योंकि पुद्गल ही व्यापी व्यापक रूप में उनसे जुड़ा और पुद्गल ही भावी भावक रूप में उनसे जुड़ा, लेकिन निकटता के कारण जीव उसको भिन्न देख नहीं पाया और भिन्न देख नहीं पाया, इसीलिए क्या मान लिया कि ये पुद्गल कर्म का कार्य किसने किया? मेरा पर क्या लेना है मनीष भाई? ये शर्ट कैसी है, कौन से रंग की है? नीली 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 है। आ विचार नीली है ना ना, पण मने तो शर्ट नीली छे अने आ नीली रा शर्ट काली शर्ट पीली शर्ट मने बहु गमे, मारा ऊपर बहु शोभे छे, बराबर? अब गंभीरता से विचारो, शर्ट नीली है क्या? अधिक तो रही है नीली है। देखो अगर शर्ट को समझना है तो पहले समझना पड़ेगा ये शर्ट बनी कैसे। अगर कॉटन की है, कॉटन की है तो कॉटन की शर्ट कैसे बनी? धागे से। धागा कैसे बना? कॉटन से। कॉटन कैसी होती है? सफेद। तो जगत में कोई रंग बिरंगा कपड़ा है क्या? कॉटन से बना हुआ कोई भी कपड़ा रंग बिरंगा है क्या? अब कोई कपड़ा रंग बिरंगा है क्या? अगर जिन मंदिर में हम सफेद कपड़े पहन के आना चाहिए ये कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उससे सब अच्छा हो जाएगा। उसका मतलब केवल इतना है कि सफेद में कोई और उपाधि का रंग नहीं,
पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? बाकी सब में उपाधि, ऐसे ही भगवान आत्मा श्वेत है। श्वेत मतलब उपाधि रहित। तो जगत में रंग बिरंगे कपड़े हैं ही नहीं। जो जो भी कॉटन से बने हुए कपड़े हैं वो सारे कपड़े कैसे हैं? श्वेत ही। क्यों है श्वेत? क्योंकि वो कपड़ा बना, शर्ट बनी कपड़े से, कपड़ा बना धागे से, धागा बना कॉटन से, कॉटन कैसी? तो कॉटन सफेद, तो धागा कैसा? सफेद। धागा सफेद तो कपड़ा कैसा? सफेद। और कपड़ा सफेद तो उससे जो शर्ट पेंट बना वो रंग बिरंगा कैसा? लेकिन मार्केट में तो कितना दिख रहा। तो ये जो नीली शर्ट है, पीली शर्ट है, काला पेंट है, हरा पेंट है, ये कपड़े का रंग है कि रंग का रंग है? अब गहराई से उत्तर दो, है किसका रंग है? हर कपड़े को जब बनाते ना तो डाई किया जाता है। क्या किया जाता है? डाई होता बाय डिफॉल्ट सब कैसा? उसका कारण मैंने बताया। क्यों है वो सफेद? क्योंकि मेन कॉज उसका सफेद है, रूट कॉज उसका कैसा है? श्वेत है। नीला पीला स्वभाव नहीं, सफेदी स्वभाव, बराबर ना? तो फिर उस कपड़े को क्या किया? रंग बिरंगा किया गया। पहले एक रंग में किया गया, फिर दूसरे रंग में किया गया, फिर कहीं से वो कहते ना कि वो एकदम सीधा सीधा जीन्स हो ना तो 500 रुपए का आता है, और फिर उसको एसिड वॉश किया जाता, मतलब कहीं से रंग निकाला जाता, कहीं से रंग लगाया जाता, ऐसी सब करामाते की जाती तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही जी। तो हमें तो कभी सफेद क्यों नहीं दिखा? कपड़ा सफेद था कि रंग बिरंगी? तो जो रंग दिख रहा था, कालापन, नीलापन, पीलापन, वो कपड़े का है रंग कि रंग का रंग है? बोलो, इतना तो नक्की हुआ कि मनीष भाई की नीली शर्ट है, शर्ट तो सफेद है, लेकिन जो नीलापन आया वो नीलापन शर्ट से नहीं आया, कपड़े से नहीं आया, वो बाहर। लेकिन जब हम लेने गए तब हमने उसको सफेद देखा कि नीला देखा? तो नीलेपन का करता रंग और सफेदपन का करता कपड़ा, कह सकते कि नहीं कह सकते? कह सकते कि नहीं? लेकिन हमें सफेद शर्ट नहीं दिखी, हमें नीली ही शर्ट दिखी। इसका कारण क्या है? सफेदी चली गई? बोले नहीं, सफेदी तो अपनी जगह थी, लेकिन रंग की निकटता के कारण, किसकी निकटता के कारण? रंग की निकटता के कारण और उस रंग को भोगने की बुद्धि के कारण। ये हमारी बुद्धि, ये हमारी क्या है? बुद्धि है। सफेद सफेद हमें अच्छा नहीं लगता तो क्या कहते हैं? थोड़ा थोड़ा क्या सफेद, हमेशा थोड़ी मरण में थोड़ी जा रहा है, बैसने में थोड़ी जा रहा है जो सफेद ही सफेद पहने, थोड़ा नीला थोड़ा काला, फिर उसमें ऐसा फिर उसमें वैसा, है इस रंग में और डिजाइन और इस डिजाइन में और रंग चलता रहता ना हमारा। समझ में आया कि नहीं आया? ये यही होता है कि नहीं होता? एक ही सिंपल सा लॉजिक है, इस रंग में इस डिजाइन में और रंग बताओ, एक प्रश्न, और फिर क्या इस रंग की और डिजाइन बताओ। अब अगर आपको कपड़े की या कॉटन की दृष्टि होती, किसकी दृष्टि होती? कॉटन, जो कि है कपड़े में कॉटन विद्यमान है, पर्याय पर्याय में कॉटन विद्यमान है, सफेद पना वहां है, लेकिन सफेदी की हमारे पास क्या नहीं है? दृष्टि नहीं, संयोग की दृष्टि है। संयोग किसका? सफेदी में रंग का संयोग, और वो ऐसा हावी हो गया माथे पर कि स्वच्छता तो गायब हो गई, अब रंग ही रंग दिख रहा है। तो अगर मैं ये कह दूं जगत में कि मनीष भाई सफेद शर्ट पहने हैं तो लोग कहेंगे पंडित जी कलर ब्लाइंड हो गए, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ऐसा पंडित जी की आंखें खराब हो गई,
उन्हें मतलब नीला नीला नहीं दिख रहा, सफेद दिख रहा है। सही है कि गलत बात? पीला पीला ना दिखे, सफेद दिखे, इनकी तो आंखें ही काम करना बंद कर दी। अरे भाई, आंखें जो दिखा रही वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन स्वभाव जो दिखा रहा है वो भी तो देखो। देख रही है? प्रशांत भाई का भी कपड़े का काम, वो ज्यादा समझ रहे होंगे इस चीज को। हैं? आंखें जो दिखा रही हैं वो तो तुम भी देख रहे, हम भी देख रहे, सब देख रहे, लेकिन स्वभाव जो दिखा रहा है वो भी तो देखो। यहां हमें तो दो चीजें दिख रही, सफेद कपड़ा और नीले रंग का संयोग। तुम्हें एक ही चीज दिख रही, नीले रंग का संयोग, और इतना ज्यादा वो लोक प्रसिद्ध व्यवहार हो गया। ये आचार्य कह रहे ना, लोक प्रसिद्ध व्यवहार कैसा हो गया कि अगर हमने नीले को सफेद कह दिया तो लोग हमें अपराधी कहने लगते। ऐसे ही रागादि भाव मेरे नहीं है, पुद्गल के हैं, ऐसा कह दिया तो लोग अपराधी कहें। अरे अरे बताओ बताओ बताओ, इन्हें पता ही नहीं चलता राग हो रहा है, ये कह रहे हैं कि ये राग नहीं है, राग हो रहा है ये कह रहे हैं राग नहीं है, राग हो रहा है कह रहा है। अरे भाई, राग हो रहा है हम कहाँ निषेध कर रहे हैं, लेकिन राग के समय भी शुद्धता तो वैसी की वैसी है। समझ में आया? तो जैसे जगत में कलरफुल कपड़ों का व्यवहार हो गया, ऐसे ही मोक्ष मार्ग में कलरफुल भावों का व्यवहार हो गया। सीधी सी बात है, जैसे कलरफुल कपड़ों के बीच में सबका आधार श्वेत है, वैसे सब भावों के बीच में सबका आधार शुद्धता है, स्वभाव। जैसे शुद्धता तो शुद्धता है ही, उसमें जो रंग मिजाज आया है वो रंग मिजाज स्वभाव से नहीं, बाहर के संयोग से आया है कपड़े में। वैसे आत्मा शुद्ध है, उसमें जो रंग बिरंगा पन आया है वो आत्मा से नहीं आया, वो कहाँ से आया? वो रंग के संयोग से आया। जैसे जगत के जीव, अब ये सब जैसे तैसे सब लगा लेना, लास्ट का ये सुन लेना शांति से, चार पांच चीजें घटित कर रहा हूं, आप उसका विचार करना। जैसे जगत के जीव लोक प्रसिद्ध व्यवहार के कारण स्वभाव की शुद्धता को भूल गए, कपड़े की, कि कपड़ा स्वच्छ है, और किसी ने बोला कि कपड़ा सफेद है तो लोगों ने उसे झूठा कह दिया, झूठा कह दिया, वो झूठा था ऐसा नहीं, लोगों की दृष्टि संयोग में इतनी घुली मिली थी कि वो स्वभाव को भूल गया, तो रूढ़ व्यवहार हो गया। ऐसे ही जब कुंदकुंद आचार्य देव अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं कि आत्मा कर्मों को करता नहीं, आत्मा कर्मों को भोगता नहीं, जैसे रंग ही रंग को करता है और रंग ही रंग को भोगता है, कपड़ा भिन्न रहता है, वैसे कर्म ही कर्म को करते हैं, कर्म ही कर्म को भोगते हैं, आत्मा भिन्न। बराबर। लेकिन जिसको इस निकटता का ज्ञान नहीं, वो उसे जो कलर मिलता है उसमें खुश हो जाता है, अच्छा मिले तो खुश हो जाता है, और बुरा मिले सो, बच्चों को नहीं होता, बच्चियों को अगर पिंक कलर की गिफ्ट चाहिए उन्हें ब्लू मिल जाए, आगे चुपचाप बोल देती हूँ पापा आज पिंक नहीं मिला है, रंग तो रंग है लेकिन उनका तन्मयता है, रंग तो रंग है लेकिन उनकी तन्मयता है और उसके कारण वो सुखी दुखी होते हैं। ऐसे ही राग तो कर्म का है लेकिन इसकी उसके साथ तन्मयता है, इसलिए उसमें अनुकूल और प्रतिकूल वेदन करते हैं। बराबर समझ में आया? तो जैसे रंग कभी कपड़े को उत्पन्न नहीं करता, रंग में कहाँ कपड़ा बनने की ताकत है? अगर रंग में कपड़ा बनने की ताकत हो तो रंग का ही कर्ता बना दो, रंग का ही कपड़ा बना दो, बनेगा क्या? कपड़े में इतनी है क्षमता कि वो रंग के संयोग को ग्रहण कर लेता है, लेकिन रंग में ये ताकत नहीं है कि कपड़े रूप परिणमित हो जाए। वैसे कर्म में, आत्मा में एक ऐसी ताकत है कि रागादि भावों को अपने रहने के लिए जगह देता है, लेकिन रंग राग में कर्म में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपनी बलजबरी से परिणमन कराए।
समझ में आया? चलो।